मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का आगाज आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी अपने मनोकामना पूर्ण के लिए संगम में माँ गंगे की पूजा अर्चना के साथ और संकल्प लेकर अपने शिविर पहुंच रहे हैं। आज से ही मेला क्षेत्र में पूरे एक माह कल्पवास के लिए श्रद्धालु अपना डेरा बसेरा बना लेंगे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन मेला क्षेत्र में हो गया है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो माघ मेले क्षेत्र में कड़े सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। सारे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी लगा दी है, जिससे किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु कोरोना की जो गाइडलाइन का पालन कम करते नजर आए, क्योंकि मास्क बहुत से श्रद्धालु नहीं लगाए थे, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोको टोको अभियान के तहत रोक कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जो लोग भी मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क लगाने के लिए भी कहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो संगम टावर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सिक्योरिटी लगाई गई, जो लगातार कैमरे और दूरबीन के माध्यम से पूरे घाटों की सुरक्षा निगरानी में लगे हैं। संगम स्नान पर्व को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में 22 घाट तैयार किए गए हैं, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी कोरोना के गाइडलाइन के पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ साथ अपने पंडाल के लिए रवाना हो रहे हैं। मेला क्षेत्र का आगाज आज से ही शुरू हो जाएगा और लगभग एक माह तक संगम की रेती में श्रद्धालु नियमित पूजा पाठ करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अपने सुरक्षा साथ करते हैं, दर्द लग रहा है। यहाँ भीड़ भी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, लेकिन अपने आप को बचा के करते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं किसी को कुछ न हो सकता है। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। लता दीदी। स्नान करने आए यहाँ पे, और जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है, भीड़ भी यहाँ पे है, दो दिन से बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? किस तरीके से समझ रहे हैं क्या पूरा? नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखने का और लोगों से दूर रहने का, दूरी बनाने का, मास्क लगा के रखने का और सुरक्षित रहने का, इस हिसाब से जो है जो दिशा निर्देश दिया हुआ है गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपना स्नान करके अपनी जगह पर। लेकिन भीड़ भी है यहाँ पे, क्या कैसे बचा पाएंगे? भीड़ मतलब भीड़ से कंट्रोल करने का जो उसमें जो है एक दूसरे से अलग नहीं होना, टाइम टाइम से नहाने का, जगह जगह जो निर्धारित किया गया है उसमें भी स्नान करने का, एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करने का। यानी डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा, डर तो बिल्कुल नहीं। माँ गंगा जो है सबका कल्याण करेगी और सबको सुरक्षित रखेंगे। नाम प्रदीप दुबे। प्रदीप